हेलो फ्रेंड नमस्कार, आपका वेलकम हमारे चैनल पर। आज मैं आपको जो ये 1615 ट्रक है BS4 है, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा उसमें क्या क्या न्यू फीचर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इंटरनल अंदर, मतलब जो BS4 गाड़ी होती है 1615 गाड़ी है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में जानकारी आपको दूंगा इसमें। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा जो प्रेशर का मीटर दे रखा है यहाँ पे, ये टेम्परेचर मीटर है और ये RPM मीटर है इसका, एंड ये हमारा जो किलोमीटर दिखा आप, स्पीडोमीटर है हमारा ये, एंड ये भी हमारा प्रेशर मीटर है और ये फ्यूल का मीटर है, एंड इसमें एक अलग से मीटर दे रखा है यूरिया का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये लेवल बताता है कि हमारी गाड़ी में जो यूरिया का क्या लेवल है, इससे हमें पता लग सकता है। जो BS4 गाड़ियों में एक नया सिस्टम लगा है SCR, जिसे सिलेक्टिव कैथलिक रिडक्शन बोलते हैं, तो इसकी मदद से हमें मेजर कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी के जो यूरिया टैंक में कितना यूरिया है, उसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। एंड जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई चीज दे रखी है, ये देखिए ABC सिस्टम, ABS सिस्टम, मतलब इसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। और यहाँ पे आप इंजन चेक का बटन भी देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये बटन है, ये लाइट, मतलब कि आपको अगर स्मूथ गाड़ी चलानी है तो यहाँ पे लाइट पे कर सकते हैं, अगर आपको कहीं हाईवे या ऊपर चढ़ाना है तो हैवी पे करके आप कहीं भी अच्छे फ्लोर पर इसको गाड़ी को स्मूथली चढ़ा सकते हैं। और ये 4x4 इंडिकेटर का बटन है, एंड आप देख सकते हैं इंटरनल लुक जो इसका दे रखा है बहुत अच्छा दे रखा है। और ये हमारी है कॉम्बिनेशन स्विच, जिसे डिपेंडी बोलते हैं, जिससे हम इंडिकेटर और वाइपर चला सकते हैं अपने, आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे हमारा दे रखा है, ये दे रखा है पहले वाला पेटल जो दे रखा है वो एक्सीलेटर का दे रखा है, एंड ये ब्रेक दे रखा है, और ये वाला दे रखा है पेटल में क्लच का पेटल दे रखा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हम इसमें गियर देखेंगे, इसमें कितने गियर हैं, इसमें ये 6th गियर बॉक्स की है, और एक रिवर्स गियर दे रखा है इसमें। और जो भी इंटरनल लुक है इसका बढ़िया है, और इस तरह के फंक्शन दे रखे हैं, और इसमें एक अलग से डिवाइस भी दे रखा है SCR सिस्टम, मतलब कि यूजर का सिस्टम भी हमें BS4 गाड़ी में देखने को मिला है। और इसका हैंड ब्रेक हम देख सकते हैं, इसका हैंड ब्रेक हमें यहाँ पर दे रखा है, इसका हैंड ब्रेक यहाँ पर, अगर हमें हैंड ब्रेक को लगाना है, अभी हैंड ब्रेक गिरा हुआ है नीचे, अगर इसे हटाना है तो इसको खिल के ऊपर कर देना है, जिससे आप देख सकते हैं अभी हैंड ब्रेक हट चुका है। अगर हैंड ब्रेक लगाना है हमें तो इस चीज़ को हमें पुल करना है, ऊपर खींचना है, खींचने के बाद क्या करना है इसको स्मूथली हम नीचे ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी ये हैंड ब्रेक लग चुका है हमारी गाड़ी के अंदर, तो इसलिए, और ये सब चीज़ें दे रखी हैं ये BS4 गाड़ी के अंदर। और जो इसका इंजन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है एक कार की तरह, जैसे हमारी कार वैगनॉर स्विफ्ट डिजायर ऐसी गाड़ी चलती है, वैसी इस गाड़ी का इंजन रन करता है, और आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ ड्राइविंग मिलती है, और एवरेज का भी इसमें अच्छा है, और ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती। और आपको मैं इसका यूरिया टैंक भी दिखा देता हूँ, इसका यूरिया टैंक है कहाँ पे, जिसे आप देख सकते हैं, ये है इसका यूरिया टैंक, और ये है डोजर यूनिट। तो यही सब चीज़ें दे रखी हैं इस गाड़ी के अंदर। आप, मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है कि BS4 गाड़ी के बारे में कम्प्लीटली, उसमें क्या क्या नया चेंजेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको कर दे एक लाइक, और जो रेड रंग का सब्सक्राइब का बटन उसको दबा लें, बेल आइकन को बटन को भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। एंड थैंक यू गाइस।